अच्छा, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इंफॉर्मेशन सोर्सेज ऑफ लिटरेचर एंड सोशल साइंस सब्जेक्ट है। इंफॉर्मेशन सोर्सेज ऑफ लिटरेचर एंड सोशल साइंस, इसमें है टॉपिक आज का इंफॉर्मेशन नीड्स। ठीक है, यानी इंफॉर्मेशन नीड्स कौन से हमारे जो इंफॉर्मेशन हो हमारे नीड्स है, हमारे डिज़ायर इंफॉर्मेशन। ठीक है, थर्ड सेमेस्टर और लेक्चर नंबर फोर, इसका ये थर्ड सेमेस्टर का कोर्स है और लेक्चर नंबर फोर। आज का टॉपिक है इंफॉर्मेशन नीड्स। ठीक है, क्रिएशन एंड डिसमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन नीड्स का जो मतलब है वो ये है कि इंफॉर्मेशन कौन से हमें चाहिए। जो इंफॉर्मेशन हमें ज़रूरत है वो पहले क्रिएट करेंगे फिर डिसमिनेट करेंगे। ठीक है, तब कोई बंदा अपने नीडेड जो डिज़ायर इंफॉर्मेशन है उसको हासिल कर सकता है। तो इंफॉर्मेशन इज क्रिएटेड इन मेनी ओरिजिनल फॉर्म टू सेटिस्फाई द क्रिएटर एंड टू सेट द यूज़र। ठीक है, यानी यूज़र को भी सेटिस्फाई करता है और क्रिएटर, क्रिएटर किस तरह सेटिस्फाई होता है, जो बंदा इंफॉर्मेशन को क्रिएट करता है वो तब सेटिस्फाई होगा कि उसका इंफॉर्मेशन सही तरीके से यूज़ हो, यूटिलाइज हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा दे, तो वो सेटिस्फाई हो जाता है। और वो बंदा जो यूज़ करता है वो ख़ुद बहुत सेटिस्फाई हो जाता है कि वो उनको जो डिज़ायर इंफॉर्मेशन वो उनको मिल गई आसानी से। वंस क्रिएटेड, जब इंफॉर्मेशन क्रिएट हो जाती है, बन जाती है, द इंफॉर्मेशन इज डिसमिनेटेड यूजिंग ए रेंज ऑफ मीडिया एंड मीन्स ऑफ ट्रांसमिशन। जब एक दफ़ा इंफॉर्मेशन बन जाती है तो उसको फैलाना पड़ता है। जब आपके फैलाने का टाइम आता है तो आप इसको कई तरीकों से फैला सकते हैं। फैलाने का क्या, आप इस इंफॉर्मेशन को प्रिंट करें किसी बुक फॉर्म में, ठीक है, मीडिया के ज़रिए इसको फैलाएं किसी भी फॉर्म में, फ्लैपी डिस्क पे दे, डीवीडी पे दे, ठीक है, ऑनलाइन दे, डेटाबेस बनाए, तो मीन्स ऑफ ट्रांसमिशन और मीडिया रेंज मुख्तलिफ हो सकती है। ये डिसमिनेशन, टाइप्स ऑफ डिसमिनेशन। ठीक है, यानी जब इंफॉर्मेशन बन जाएगी तो उसको फैलाना। सबसेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन नीड्स, यानी इंफॉर्मेशन जो नीड्स है वो क्या चीज़ें हैं, जो कौन कौन से सबसेट्स हैं इनके नीचे, यानी जो डिज़ायर इंफॉर्मेशन है वो किस तरह हम क्रिएट करते हैं और फिर डिसमिनेट करते हैं। इंफॉर्मेशन डिमांड्स, ठीक है, आर रिक्वायरमेंट, आर नीड्स, ठीक है, इसका मतलब है इंफॉर्मेशन डिमांड, इंफॉर्मेशन नीड्स आर रिक्वायरमेंट, इट रेफर टू द डिमांड्स विच मे बी वोकल आर रिटन आर मेड टू ए लाइब्रेरी आर टू सम अदर इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसका मतलब है कि इंफॉर्मेशन आप जब लेंगे या आपको ज़रूरत है तो आपको ज़ुबानी भी कोई बता सकता है, ठीक है, रिटन फॉर्म में भी बता सकता है और आप, आपको मिल सकते हैं डिसमिनेशन के ज़रिए, ठीक है, या किसी लाइब्रेरी के सिस्टम को यूज़ करके आप इंफॉर्मेशन रिट्रीव कर सकते हैं और आप अपने नीडेड इंफॉर्मेशन को हासिल कर सकते हैं, अपने जो डिज़ायर इंफॉर्मेशन है। ठीक है, दूसरा इसका सबसेट क्या है, इंफॉर्मेशन वांट्स, ज़रूरत, ठीक है, चाहना, ठीक है, जो चाहत है आपकी, डिज़ायर है उसको। इंफॉर्मेशन नीड क्या है, इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू टेलर, ठीक है, जो 1968 में इसकी एक आर्टिकल छपा था, पोस्ट फोर पॉइंट्स अलॉन्ग द नीड्स, ठीक है, इसके जो नीड्स है इंफॉर्मेशन नीड, इसके चार अहम पॉइंट्स है, आस्पेक्ट्स है, ठीक है। नंबर वन, एन एक्चुअल बट अनएक्सप्रेस्ड नीड्स, ठीक है, यानी रियल जो नीड है इसकी। दूसरे नंबर पे कंसाइज डिस्क्रिप्शन ऑफ नीड्स। तीसरे नंबर पे ए फॉर्मल स्टेटमेंट ऑफ नीड्स, यानी आप बिल्कुल फॉर्मल तरीके से आप एप्लीकेशन दें या एक किसी तरीके फॉर्मल तरीके से आप कहें किसी को, किसी कंपनी को, कि मुझे फला इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है, ठीक है। ए कंप्रोमाइज नीड और एक कंप्रोमाइज नीड, ये नीड के मुख्तलिफ किस्में हैं।
कि किस तरह एक है अनएक्सपेक्टेड और एक्चुअल जो आपकी नीड है, यानी आपको आपको भूख लग गई तो इन्हें अनएक्सपेक्टेड आपको भूख का एहसास होगा, ठीक है, एक्चुअल आपको ज़रूरत होगी, ठीक है। कॉन्शियस डिस्क्रिप्शन या कॉन्शियस डिस्क्रिप्शन यानी आप बिल्कुल कॉन्शियस है और आपको नीड है, आपको ज़रूरत है, ठीक है। और एक है फॉर्मल, फॉर्मल फॉर्मल आपको स्टेटमेंट ज़रूरत है, आप फॉर्मली किसी को रिक्वेस्ट करें, या एक कंप्रोमाइज रहा है, कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई, ज़्यादा आपको चाहिए, लेकिन बस आप उसे थोड़े से नीड इन्फॉर्मेशन पे कंप्रोमाइज करें। अच्छा, इन्फॉर्मेशन नीड बट वो तो हो गया, उसके जो मुख्तलिफ सब सेट्स थे, ठीक है। अब इन्फॉर्मेशन नीड्स के जो ये 4 पॉइंट्स थे, अब जो इन्फॉर्मेशन नीड्स है ये आगे क्या है, यानी और किस किस ने इसको मजीद डिस्क्राइब किया है, डिफाइन किया है। बट इट वॉज ब्लॉस्टर्ड बाई रीस 1963। रीस एग्रीड विद दीज पॉइंट्स, इस पॉइंट के साथ एग्री है जो टेलर ने कंस्ट्रक्ट किए थे ऑन इंडिविजुअल इन्वॉल्व्ड। रीस एम्फेसाइज द इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड द लाइब्रेरी। इंटरफेस का मतलब है कि दोनों का आपस में राबता और ताल्लुक, यानी किस तरह, यानी एक चीज किस तरह यूजफुल टू इंटरफेस ऑफ द यूजर है, यानी एक लाइब्रेरी और यूजर के दरमियान कितना इसका राबता सही तरीके से है। येट बोथ डिस्कशन हेल्प टू रिवील द प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मेशन सीकिंग फॉर द पर्पज ऑफ सेटिस्फाइंग नीड्स, यानी इंफॉर्मेशन सीकिंग जो है, यानी एक बंदे को जो इंफॉर्मेशन नीड्स है उसके लिए इनको इंफॉर्मेशन सीकिंग की जरूरत है, यानी वो सीकिंग करेगा, तलाश करेगा इंफॉर्मेशन को, और कहाँ पे तलाश करेगा, ये किसी भी लाइब्रेरी में। अब वो अगर लाइब्रेरी का सिस्टम यूजर इंटरफेस है, यानी यूजर के लिए फैसिलिटी देता है, तो वो आसानी से वो इंफॉर्मेशन सीकिंग और जो रिट्रीविंग है वो आसानी से होगा, और उसको अपने मकसद के जो नीडेड इंफॉर्मेशन है उसको मिल जाएंगे और उसकी नीड सेटिस्फाई होंगे, जो डिज़ायर उनके है वो सेटिस्फाई हो जाएंगे, उसके जो नीड्स है वो सेटिस्फाई होंगे। आगे क्या है, वंस बेसिक असम्पशंस बिहाइंड द डिस्कशन ऑफ इंफॉर्मेशन नीड इज दैट पीपल नीड इंफॉर्मेशन, ठीक है, यानी असल जो इंफॉर्मेशन नीड्स की नीड्स है वो है द पीपल नीड्स इंफॉर्मेशन, यानी लोगों को मालूमात चाहिए, ठीक है। ये एक नहंजा, एक दूसरा एक इंफॉर्मेशन का बंदा था, ठीक है, सोशल आदमी था, 1966 में बिगिन एट द पॉइंट आर फर्दर स्टेटेड दैट, यानी इसी पॉइंट पे फर्दर उसने एक मजीद स्टेटमेंट दी है, क्या है, द क्वेश्चन इज द वेदर मेन नीड इंफॉर्मेशन फॉर दे डू रेदर देन द इशू इज whether the information available for them is the right kind or and quality of acceptable accuracy and appropriate timelines. This time he speaks now of the quality of information. yene jo ninvinsa hai, ye ek hindu hai, ye batata hai कि इंफॉर्मेशन जो ज़रूरत है, इसकी ज़रूरत अगर सही टाइम पे, सही क्वालिटी, सही काइंड और एक्यूरेसी के साथ इनको वो मालूमात मिल जाए तो उसकी ज़रूरत सही तरीके से पूरी होगी, ठीक है, इन्हें एट द राइट टाइम, ठीक है, टाइमलाइंस जिसको हम कहते हैं, ये इंफॉर्मेशन नीड्स को इस तरह डिफाइन करता है। In spite of the difficulty inherent in definition, the search for answer continues. Establish system are aware of community. ठीक है, यानी information की जो सही definition है उसके आगे जो मजीद बेहतर definition है उसके लिए कोशिश जारी है। These same system
knows that effective change must be respond to needs, यानी जो नीड इंफॉर्मेशन या इंफॉर्मेशन नीड है इसको मजीद सही तरीके से लोगों तक पहुंचाना, रीडर तक पहुंचाना, इसके लिए इससे बेहतर सिस्टम की या इफेक्टिव चेंजेस की ज़रूरत है। हाउ इम्पॉर्टेंट इज सेटिस्फेक्शन टू आवर यूज़र, असल चीज़ यही है। आई वुड गिव यू एन एग्जाम्पल ऑफ दिस, यानी जो जो अहम तरीन चीज़ है, ठीक है, वो ये है कि लोगों को जो यूज़र है आपके उसको किस तरह मुतमईन किया जाए, ठीक है। तो कैसे, वंस ऑफ द स्टडी इज चार्ल्स बॉर्न 1973 में फाउंड आउट दैट एट लीस्ट 70% ऑफ द पॉपुलेशन इन USA नेवर यूजेस लाइब्रेरी, यानी 70% जो लाइब्रेरियन लाइब्रेरी की जो यूज़र है, जो सॉरी पॉपुलेशन है, वो लाइब्रेरी को यूज़ ही नहीं करते, यानी जो पब्लिक सर्विस है लाइब्रेरी उसको यूज़ ही नहीं करते 70% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ USA, और पाकिस्तान में तो 2% लोग भी लाइब्रेरी को यूज़ नहीं करते। इवन के जो यूनिवर्सिटी में है उसमें बहुत कम लोग यूज़ करते हैं, कॉलेज उससे भी कम और स्कूल तो बहुत कम, ठीक है। वट डू यू थिंक इज द कंसिक्वेंस ऑफ दिस फाइंडिंग, ठीक है। एज ए रिजल्ट लाइब्रेरी बजट आर डिक्लाइन, क्योंकि लोग इसको यूज नहीं करते, इसे लाइब्रेरी बजट में हर साल कट आती है, बढ़ता नहीं है, कम हो जाता है। बिकॉज द सोसाइटी डज नॉट फील दैट लाइब्रेरी इज मीटिंग द नीड्स ऑफ द पब्लिक, ठीक है। ये सबसे बड़ा मसला है, क्योंकि आप जो नीडेड इंफॉर्मेशन है आप उसको दे नहीं सकते, तो आपकी अहमियत और आपकी लाइब्रेरी की अहमियत इंतहाई कम हो रही है आहिस्ता। जब आपकी लाइब्रेरी की अहमियत कम हो रही है तो इस वजह से आपका बजट कम हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। सो एज द रिस्पॉन्स ऑफ द लाइब्रेरी क्रिएटेड प्रोग्राम एंड सर्विसेज टू मीट द नीड्स ऑफ द पब्लिक स्पेशली दोज इन सब कम्युनिटीज, देखे ये जो नीड्स है या इंफॉर्मेशन नीड्स है लोगों को किस तरह सेटिस्फाई करे, इसके लिए हमें एक ज़बरदस्त सिस्टम की ज़रूरत है। बेशक वो सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक हो, मैनुअल हो, जो भी हो, यानी आप लोगों की सहूलत और लोगों के जो वहाँ पे जो उनके उनका अवेयरनेस है, उनकी जो कैपेसिटी है और उनका जो डिमांड है, आप उसको किस तरीके से सही, जो कौन सा तरीका आप इख्तियार करके उनको उनकी उनको सेटिस्फाई कर सकते हैं इंफॉर्मेशन नीड्स को, ठीक है। यानी कई कम्युनिटी इस तरह होंगी एक कंट्री में, एक मुल्क में, जिसकी डिजिटाइज सिस्टम ज़्यादा फैसिलिटेट होगा, लेकिन कुछ लोग उस सिस्टम को यूटिलाइज चूंकि नहीं कर सकते, इस वजह से कि जहाँ पे डिजिटाइज की ज़रूरत है वहाँ पे तो ठीक है, लेकिन जहाँ पे डिजिटल सिस्टम लोग अवेयर नहीं है, इस्तेमाल नहीं कर सकते, यूटिलाइज नहीं कर सकते, उस पर वहाँ मैनुअल सिस्टम ज़्यादा हेल्प करेगी आपकी। तो ये जो आपका जो सिस्टम ऑफ इंफॉर्मेशन क्रिएटेड एंड डिसमिनेशन है, ठीक है, एनालाइज करके उसको अपने अपने कैटेगरी में करके फिर इसको डिसमिनेट करना, फिर लोग जब सीकिंग ऑफ इंफॉर्मेशन है लोग उसको तलाश करते हैं, सर्चिंग करते हैं, अगर वो उस कम्युनिटी के यूज़र इंटरफेस के फ्रेंडली हो, यूज़र इंटरफेस फ्रेंडली हो, तो वो ज़्यादा वो लोग और कम्युनिटी और पॉपुलेशन इसको यूज़ करेंगे, वरना उसको यूज़ नहीं करेंगे। तो आप देखेंगे कि आपकी जो लाइब्रेरी की जो अहमियत है वो तब बढ़ेगी जब आप अपनी जो सिस्टम है उसको डेवलप करें। किस तरह डेवलप करें, यही सबसे बड़ा सवाल है कि आप अपनी कम्युनिटी को देखें कि कौन सी चीज़ को ये ज़्यादा समझते हैं और कौन सी चीज़ इसके लिए बेहतर होगी, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी लाइब्रेरी को इस्तेमाल कर सकें, ठीक है। आगे है, इन स्पाइट ऑफ द सम फेलोअर सिस्टम टू सेटिस्फाई परस्यूड इंफॉर्मेशन नीड्स आर स्टिल बींग क्रिएटेड, इन्हें मसाइल होने के बावजूद और फेलोअर के बावजूद आप इस तरह करें कि आप मजीद इसमें नीड्स के इंफॉर्मेशन जो है इसमें क्रिएशन और मजीद करें। देखिए यहाँ पे लिखे सेल्फ सर्विसेज, यानी आप यहाँ पे खुद बैठ के यहाँ पे सर्चिंग करें, ठीक है,
आपकी जो नीड इंफॉर्मेशन नीड्स है, आप इसको यहाँ पे खुद सेटिस्फाई करें, यानी खुद आप इंफॉर्मेशन सीकिंग करें, रिट्रीव करें और खुद इंफॉर्मेशन को सेटिस्फाई करें। अच्छा, एक दूसरा सर्वे हुआ है, वो क्या है, एनदर स्टोरी। एक सर्वे में तो 70% ऑफ द ऑल पॉपुलेशन ऑफ अमेरिका डिड नॉट यूज लाइब्रेरी सर्विसेज, ठीक है, लाइब्रेरी इस्तेमाल ही नहीं करते। एनदर स्टोरी ड्यूरिंग 1970s ऑफ द ऑफिस ऑफ द मायर ऑफ द सिटी ऑफ न्यूयॉर्क विद एक्सेस टू एक्यूरेट एंड अप टू डेट इंफॉर्मेशन ऑन द सर्विसेज एंड फैसिलिटीज ऑफर्ड बाई द सिटी स्टेट एंड द फेडरल एजेंसीज एंड प्राइवेट एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। लाइब्रेरी इज ऑल्सो ए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इस लफ्ज को आप लोग समझें, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड एक्यूमुलेटेड 10,000 आइटम ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग सच सर्विसेज एंड फैसिलिटीज, यानी इसको इतने फैसिलिटीज और इन चीजों को यूज करके इसका क्या रिजल्ट निकला, द सिटी हैज प्रोमोलोगेटेड इंफॉर्मेशन ऑन सच मैटर एज हाउसिंग, एम्प्लॉयमेंट, हेल्थ सर्विसेज, रिक्रिएशन, सिविल राइट। यानी सिटी ने कौन से इंफॉर्मेशन लोगों को, कम्युनिटी को, पॉपुलेशन को प्रोवाइड किए, हाउसिंग के मुतालिक, एम्प्लॉयमेंट के मुतालिक, हेल्थ सर्विसेज के मुतालिक, रिक्रिएशन, ठीक है, और सिविल राइट के मुतालिक इंफॉर्मेशन उसने प्रोवाइड कर दी। और फिर क्या हुआ, यूटिलाइजिंग द पब्लिक लाइब्रेरी एज द चैनल फॉर डिसिमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। यानी मेयर ने, न्यूयॉर्क सिटी के मेयर ने क्या किया कि उसने जो पब्लिक लाइब्रेरी है उस चैनल को इस्तेमाल किया फॉर डिसिमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। यानी जो जो इंफॉर्मेशन इसने देनी थी, ये चार पांच सब्जेक्ट के मुतालिक, हाउसिंग, एम्प्लॉयमेंट, हेल्थ सर्विसेज, क्रिएशन, रिक्रिएशन, सिविल राइट वगैरह, ये इसके लिए चैनल कौन सा इस्तेमाल किया डिसमिनेशन के लिए, पब्लिक लाइब्रेरी को, ठीक है। क्या हुआ फिर, द डेटा बैंक ऑफ द सिटीजन, डेटा बैंक मीन सारे मालूमात का बल्क है, वो पूरा जो मवाद है, इंफॉर्मेशन रिसोर्स सिस्टम विल बी मेड अवेलेबल एंड इट इफेक्टिवनेस इन मीटिंग द इंफॉर्मेशन नीड ऑफ द रीडर्स, ठीक है। तो क्या हुआ, इट इज क्लियर दैट कंटिन्यूस स्टडी ऑफ इंफॉर्मेशन नीड इज ए वाइटल। अच्छा, इस स्टडी से क्या हुआ, इट इज क्लियर दैट कंटिन्यूस स्टडी ऑफ इंफॉर्मेशन नीड इज ए वाइटल एंड इंफॉर्मेशन एजेंसीज मस्ट बिकम अवेयर ऑफ द जनरल पैटर्न ऑफ इंफॉर्मेशन नीड दैट ऑलरेडी हैव बीन फॉर्मलाइज्ड। यानी इस जो एजेंसीज है, यानी लाइब्रेरीज है, ये मजीद अपने जो सिस्टम है और इंफॉर्मेशन नीड जिस पैटर्न से ये दे रहे हैं, इसको, इस अवेयरनेस को और इसको और मजीद फॉर्मलाइज करें, ठीक है, फॉर्मल फॉर्म में करें, फ्रॉम द जनरलाइजेशन विच कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम मेनी स्टडीज ऑफ इंफॉर्मेशन नीड कम टू द गाइडलाइंस फॉर प्लानिंग इंफॉर्मेशन सर्विस। इंफॉर्मेशन एजेंसीज कैन सर्व बोथ इंफॉर्मेशन डिमांड एंड इंफॉर्मेशन वांट। यानी ये जो एजेंसीज है, इंफॉर्मेशन डिमांड, इंफॉर्मेशन नीड्स और इसके वांट्स को मजीद अच्छे और बेहतर तरीके से दे सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका लेक्चर, ये क्या था, इंफॉर्मेशन नीड्स, यानी इंफॉर्मेशन नीड्स क्या चीज है, ठीक है, इसकी डिफिनीशन, इसकी डिफिनीशन मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ तरीके से की है कि व्हाट इज इंफॉर्मेशन नीड्स, ठीक है, इसकी अहमियत क्या है, ठीक है, फिर इसकी मिसालें दी हैं कि किस तरह हम इंफॉर्मेशन नीड्स और जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है अपने लाइब्रेरीज को किस तरह बचा सकते हैं, यानी लोगों को सही इंफॉर्मेशन दे के हम लाइब्रेरी को अगर सही यूटिलाइज करें लोग, तो ये लाइब्रेरी सिस्टम और इसका जो बजट है इसको हम बचा सकते हैं और इसको इंक्रीज कर सकते हैं। हालांकि जो बजट है वो हर साल डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, ये डेवलप कंट्री का ये हाल है, तो हमारा तो और इससे भी आगे मसला और बनेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई हैं, इसमें अगर कोई मसला हो तो फिर आप मुझसे शेयर कर सकते हैं और पूछ सकते हैं।